नहीं बताएगा कोई आपको इन चीजों के बारे में, क्योंकि सभी सीक्रेट रखते हैं बालों को लंबा और घना करने का ये तरीका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है रोग अनुसार में एक बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ है। दोस्तों, लंबे और घने बाल हर लड़की की चाह होती है, लेकिन प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के चलते बालों की क्वालिटी खराब हो जाती है और कई बार बालों की ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसे में बालों को सही पोषण देना बहुत ही जरूरी होता है, ताकि बालों की क्वालिटी भी सुधरे और बालों की ग्रोथ भी तेजी से हो। अगर आप तेजी से अपने बालों को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको आपके बालों को कुछ ही समय में 2 से 5 से 10 इंच लंबा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, खान पान, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, प्रदूषण और गलत हेयर केयर की वजह से कई बार बालों का बढ़ना बंद हो जाता है। ऐसे में लाइफ स्टाइल में बदलाव लाकर आप बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बालों को जल्दी बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने हेयर केयर रूटीन में कुछ नेचुरल चीजों को शामिल कर ऐसा कर सकते हैं। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट बालों को और भी तेजी से बहुत ही कम समय में लंबा और घना कर देता है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपसे कोई भी खास जानकारी छूटे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमारा मोटिवेशन अप होता है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर सेलेक्ट करें। नंबर 1, दोस्तों संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे वाली बात तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन जान लें कि बालों के लिए भी अंडा बहुत ही उपयोगी होता है। अंडे में प्रोटीन, आयरन, सल्फर, वसा जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बालों को झड़ने से बचाते हैं। अंडे के सफेद वाले हिस्से में थोड़ा सा जैतून का तेल मिलाएं और ये मिश्रण तैयार कर हल्के हाथों से हफ्ते में एक बार मालिश करें। इसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें, बालों का झड़ना रुक जाएगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। नंबर 2, दोस्तों गुड़हल का फूल बालों को लंबा करने के लिए मददगार होता है। इसका बालों पर इस्तेमाल करने के लिए गुड़हल के फूलों का पेस्ट बनाएं। इस पेस्ट को नारियल के तेल में मिलाकर स्कैल्प पर लगाएं। इस पेस्ट को बालों पर 15 मिनट तक लगाकर रखें। इसके बाद नॉर्मल पानी से बालों को धोएं। नंबर 3, दोस्तों प्रदूषण और धूल की वजह से बाल बहुत ही रफ हो जाते हैं। बालों की सही देखभाल के लिए जरूरी है कि नियमित तौर पर इसकी मसाज की जाए। जैतून के तेल से या बादाम के तेल से बालों की मसाज की जा सकती है। ठंड के मौसम में इस तेल में थोड़ा सा नींबू भी डाल लें और बालों की हफ्ते में एक बार 15 मिनट तक मसाज करें। नंबर 4, दोस्तों सिकाकाई का इस्तेमाल बालों पर करने से बाल तेजी से लंबे और घने होते हैं। इसके लिए आप रात भर आप सिकाकाई को लोहे की कढ़ाई में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर इसे बालों पर लगाएं। आधे से एक घंटे बाद आप पानी की मदद से बालों को वॉश करें। सिकाकाई बालों को काला और चमकदार बनाएगा, साथ ही इसकी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। नंबर 5, जी हाँ दोस्तों, आंवले में मौजूद पोषक तत्व बालों को मजबूती और वृद्धि देने के लिए उपयोगी होता है। अगर आपको घने काले बाल का शौक है, तो आंवला और रीठा का पाउडर लगाएं। आंवले के जूस को सप्ताह में एक बार पानी में लगाने से बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। आंवला खाना भी त्वचा और बालों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है।